तीन स्कूली बच्चों को ट्रक से रौंदकर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। स्कूल से पढ़ाई कर वापस घर लौट रहे थे तीनों बच्चे। रास्ता पार करते समय हुआ ये हादसा। मुंबई के गोवंडी गौतम नगर प्लॉट नंबर 1 में रहने वाले एक ही परिवार के तीन बच्चे 8 वर्षीय अफजल, 4 वर्षीय अय्यूब और 3 वर्षीय असद स्कूल से पढ़ाई कर वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ता पार करते समय अचानक बेकाबू ट्रक MH04 GF3758 ने उन तीनों बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 2 बच्चे अफजल और असद को गंभीर चोटें आई। इनका इलाज शहर के राजावाड़ी अस्पताल में चल रहा है। तीन बच्चे 1:11 बजे स्कूल गए और वहाँ से 1:15 बजे आ रहे थे। वहाँ से एक गाड़ी वाले ने, जिसको बोलते हैं रोली, उन्हें टक्कर मार दी। मेरा बच्चा, एक बच्चे ज़्यादा जख्मी होने वो ख़त्म हो गया और 2 बच्चे मेरे सीरियस में। ये गोंडी गौतम नगर माड़ा के सामने जो मेरे बच्चों के साथ में हुआ, ऐसा किसी और के साथ में ना हो। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अय्यूब की राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम का माहौल पसरा है। जिस वक्त घटना हुई उस टाइम मैं नहीं था, और उस टाइम मैं जब घर पे था तो मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तीन बच्चे ट्रक के नीचे आ गए। तो मुझे पता चला तो मैं उस बच्चे के घर पे गया, और हमारे रिलेटिव है, मैं उसके बच्चे के घर पे गया तो उनके अब्बा का नंबर लिया। उनके अब्बा का नंबर लेने के बाद वो थाना में थे, कपड़े का व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करके बुलाया तो वो थाना से यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने तक का मुझे, फिर जब वहाँ से मैं निकला, जब मैंने दोस्त में 2 दोस्त और भी थे जो यहाँ तक बच्चों को उठा के लेके आने के बाद ये पता चला, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि मेरे भाई का साला है वो डेथ हो चुका है, तो बोले कि इनके अब्बा को इन्फॉर्म कर दो। तो मैंने इसके घर पे से नंबर लिया, उनके अब्बा को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा है कि आपका बेटा एक्सपायर हो चुका है, आप आ जाओ। तो उनके अब्बा यहाँ पे आए, मैं भी वहाँ अपने मोहल्ले से तुरंत इधर आया। इधर आने के बाद देखा तो बच्चा खत्म हो चुका था। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।